नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन और तारीख की बात करें तो 6 जून दशाश्वमेध घाट तक का नज़ारा आपको दिखाऊंगा गदौलिया चौराहे से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं गदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक क्या तैयारी चल रही है G20 सम्मेलन की। ये आप देख रहे हैं गदौलिया चौराहे का दृश्य, शाम के 6:30 बजने वाले हैं। यह है गदौलिया चौराहा और इस तरफ मल्टी लेवल दोपहिया वाहन पार्किंग स्थल। तो चलिए इस चौराहे से आपको ले चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। काफी खूबसूरत दृश्य है गदौलिया चौराहे का। मार्ग सीधा चल जाएगा आपको दशाश्वमेध घाट की तरफ और इस तरफ आप देखेंगे तो ये आप चले जाएंगे सीधे गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए और इस तरफ चले जाएगा आपका लंका के लिए। काफी शाम के समय भीड़ रहती है क्योंकि गंगा आरती देखने के लिए काफी श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से। चलिए इसके आगे चलते हैं अब और दशाश्वमेध मार्ग का भी अपडेट आपको देंगे। फिलहाल शाम के वक्त हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका दशाश्वमेध घाट मार्ग शीतला मंदिर जाने की तरफ वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी स्तंभ कितना बना है, दोनों तरफ स्तंभ लगाया जा रहा है जिसमें ऊपर में नंदी जी की प्रतिमा है। यह है देशबंधु चित्तरंजन दास जी का प्रतिमा यहाँ पर और ये छोटा सा स्मारक जैसा बनाया हुआ है छतरी और उसी में ये प्रतिमा स्थापित है। और यहाँ पर छोटा सा एक पार्क, एक तरफ दशाश्वमेध घाट आरती स्थल जाने का मार्ग है और दूसरी तरफ शीतला माता मंदिर जाने के लिए दशाश्वमेध घाट मार्ग। ये आप देख रहे हैं स्तंभ जिस पर नंदी जी विराजमान है और ये आगे चले जाएगा आपका गदौलिया चौराहे के लिए। तो चलिए अब आरती स्थल वाले मार्ग की तरफ चलें आपको लेकर। काफ़ी खुला खुला ये जगह लग रहा है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर नीचे में जितने भी आपके पत्थर थे लगाने के लिए सड़क मार्ग में, वो सभी लगाने के बाद ये जगह काफ़ी चौड़ा चौड़ा खुला खुला लग रहा है परिसर। यहाँ भी स्तंभ राजेंद्र प्रसाद घाट मार्ग जाने वाले मार्ग पर ये देख रहे हैं, ये मार्ग सीधे चले जाएगा राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ और यहाँ ये अत्याधुनिक ये पोल्स लगाए गए हैं, इसमें आपका चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है और ऊपर में कैमरा और स्पीकर भी है यहाँ पर। फिलहाल ये आप देख रहे हैं ये मार्ग पहले से काफ़ी खुला खुला और ये दीवारों पर प्लास्टर भी करीब करीब कंप्लीट हो गया है
ये देख रहे हैं इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद घाट मार्ग पहले से काफ़ी चौड़ा और खुला खुला नज़र आता है। चलिए अब चलते हैं घाट की तरफ, यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर मान महल म्यूज़ियम है वहाँ पर इस प्रकार के पत्थर के दो चबूतरों पर मान महल के बारे में पूरा डिटेल में आपको वर्णन किया हुआ है। वाराणसी में प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट के निकट गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित मान महल मुगल राजपूत वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है, जिसमें पत्थर की खगोलीय वेधशाला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महल का निर्माण लगभग 1600 ईस्वी में आमेर के राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। ये पूरा आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मान महल वेधशाला भी है इसमें। राजेंद्र प्रसाद घाट भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर इस घाट को रखा गया है, लेकिन ये प्रतिमा बहुत ही कम लोगों के नज़र में आती है, क्योंकि ये प्रतिमा जिस जगह पर है ठीक सामने आभासी म्यूज़ियम जहाँ पर है उसी ठीक सामने में प्रतिमा है। और जैसा कि आप इस प्रतिमा के बारे में पढ़ सकते हैं, अनावरण महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था 1988 को, और इन्हीं के नाम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट का नाम रखा गया है। फिलहाल उपेक्षित किनारे में एक जगह ये देख रहे हैं जहाँ पर ये प्रतिमा है, और ये है आपका राजेंद्र प्रसाद घाट आरती स्थल वाला मार्ग है जहाँ पर सुलभ शौचालय दो दो बन गए हैं। और ये सामने में जैसा कि आप देख रहे हैं एक इस तरफ है और एक आगे की तरफ है, और ये है आपका दशाश्वमेध घाट का आरती स्थल वाला मार्ग। और सामने में आप देखेंगे तो ये है दशाश्वमेध भवन। हेल्प डेस्क और टिकट काउंटर यहाँ पर दशाश्वमेध भवन के पास में, और इस तरफ पार्क बनेगा। फिलहाल ये आप देख रहे हैं दशाश्वमेध भवन का दृश्य जहाँ पर होटल उड़पी टू मुंबई भी खुल चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये अपडेट मैंने आपको दिया दशाश्वमेध घाट मार्ग का, गोदोलिया चौराहे से लेकर मार्ग तक का अपडेट आपको मैंने दिया आज तारीख, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 जून। तो चलिए अब मिलते हैं वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।